तो हेलो एंड वेलकम। आज सुपर संडे एक तरह से अगर आप फुटबॉल के नजरिए से देखें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मुकाबले और इन बड़े बड़े मुकाबलों में बड़ी बड़ी टीमें भी आमने सामने होंगी, बड़े बड़े प्लेयर्स भी आमने सामने होंगे और निश्चित तौर पर खिताबी जंग को लेकर तो अब बात नहीं ज्यादा होगी, लेकिन जो एक दिलचस्प चीज सामने निकल कर आ रही है कि आपको जो है अगले साल के चैंपियंस लीग के लिए भी जगह बनानी है, उसकी भी रेस आज होगी। और दूसरी तरफ अगर हम जो है लीग वन की बात करें, जहां पर एक बार फिर सारी नजरें जो है वो पीएसजी पर होंगी कि क्या वो खिताब जीत सकती है। हालांकि उसके पास भी उसी तरह की स्थिति है जैसे कल हम रियल मैड्रिड के बारे में बात कर रहे थे कि सिर्फ अपनी जीत से कुछ नहीं होगा, दूसरों के भरोसे भी बैठना पड़ेगा। तो एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं प्रीमियर लीग के मुकाबलों पर। जो आखिरी मुकाबले आज खेले जाने हैं, 10 मुकाबले खेले जाएंगे आज, एक साथ खेले जाएंगे, एक ही समय पर शुरू होंगे। लेकिन इन 10 मुकाबलों में जो सबसे पहले तीन अहम मुकाबले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो तीन टीमें होंगी, ये लेस्टर की एक टीम है इसमें, दूसरी टीम लिवरपूल की है और तीसरी टीम चेल्सी की है, जिनको अपने टॉप फोर के स्पॉट को बनाए रखना है ताकि वो आने वाले समय में जो है वो चैंपियंस लीग का मुकाबला खेल सकें। हालांकि चेल्सी के पास डबल चांस होगा, अगर वो चैंपियंस लीग का खिताब जीतती है तो वो डायरेक्ट एक तरह से क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन उससे पहले उसे आज एक मौका मिलेगा कि वो जो है इस पूरे के पूरे खिताब को अगले साल भी खेले। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि स्टैंडिंग्स क्या कुछ हैं, क्योंकि टेबल इस समय कुछ ऐसा बता रहा है कि चेल्सी जो है वो नंबर 3 पर है, लिवरपूल नंबर 4 पर है और लेस्टर नंबर 5 पर है। तो इनके लिए जीत आज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर ये हार गए और नीचे वाली टीमों ने अच्छा कर दिया तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ड्रॉप डाउन हो जाए। क्योंकि देखिए, चेल्सी 67 पॉइंट्स, लिवरपूल 66 पॉइंट, लेस्टर के भी 66 पॉइंट हैं, इसके बाद फिर वेस्ट हैम के पास 62 पॉइंट्स हैं। तो इन तीनों टीमों में जो है आज बड़ी होड़ लगने वाली है और ये तीन ऐसे मुकाबले होंगे जिन पर हर किसी की नजरें रहेंगी। इसके अलावा सिर्फ यही मुकाबले नहीं, बल्कि अगर आप देखें कि वेस्ट हैम का मुकाबला है, अगेन टॉटनम का मुकाबला है, एवर्टन का मुकाबला है, उनके लिए यूरोपा लीग में जगह बनाने के लिए भी एक मुकाबला होगा। प्लस अगर आप टॉटनम का मुकाबला देखें तो हैरी केन को लेकर जो स्पेकुलेशन है कि भाई उनका ये आखिरी मुकाबला होने वाला है प्रीमियर लीग में, तो वो भी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि एक इतना बड़ा साथ, एक इतना लंबा साथ उनका टॉटनम के साथ, और उसके बाद अगर वो अब छोड़कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर इस पर भी सबकी निगाहें होंगी कि आज जैसे पिछली बार हमने देखा था कि भाई होम ग्राउंड पे जो है वो तालियां बजा रहे थे, उन्होंने एक लैप लिया पूरा का पूरा क्राउड के साथ निश्चित तौर पर, और इमोशनल भी थोड़े से लग रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बता रहे हैं कि जी उनका लास्ट गेम है। तो बहुत कुछ रहेगा, आर्सेनल का भी मुकाबला है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी मुकाबला, जैसे मैंने कहा कुल 10 मुकाबले खेले जाने हैं और इन 10 में सबसे अहम होंगे ये तीन मुकाबले जिनकी हमने चर्चा की। इसमें जो है मैं आपको सबसे पहले बता दूं, एस्टन विला के अगेंस्ट चेल्सी को खेलना है, लेस्टर और टॉटनम का मुकाबला होगा और लिवरपूल और क्रिस्टल पैलेस का मुकाबला होगा। तो इन तीन मुकाबलों पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि ये सीधे सीधे अगले साल के चैंपियंस लीग से जुड़ते हैं। इसके अलावा फिर जो मुकाबला आज, दो अहम मुकाबले खेले जाने हैं चैंपियंस लीग की क्वालिफिकेशन को लेकर, यूवेंटस यानी सबकी नजरें रोनाल्डो पर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जब हम बात करते हैं। हालांकि ये जो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि प्रीमियर लीग के जो मुकाबले हैं ये 8:30 बजे भारतीय समय अनुसार 8:30 बजे शुरू होंगे सारे के सारे मुकाबले। इसके अलावा अगर आप देखें कि आज रात को जो मुकाबला होना है ये 12:15 बजे शुरू होगा, और इसमें जो है जैसा हम बात कर रहे हैं कि भाई यूवेंटस और बोलोनिया का मुकाबला है और यूवेंटस के लिए जीत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, लेकिन जीत भी उनके लिए काम इसलिए नहीं करेगी क्योंकि अगर आप टेबल देखें तो वहां पर आप देखेंगे कि भाई इंटर मिलान तो सीधे सीधे जीत ही गई है, अटलांटा नंबर 2 पर है, एसी मिलान नंबर 3 पर है, नेपोली नंबर 4 पर है और यूवेंटस नंबर 5 पर है। तो यूवेंटस के लिए आज जीत अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी होगी, लेकिन फिर उन्हें यह भी देखना होगा कि एसी मिलान और नेपोली के जो पॉइंट्स हैं वो गिरे, क्योंकि अगर वो दोनों भी जीत जाते हैं तो यूवेंटस अल्टीमेटली नंबर 5 पर है, तो वो ऊपर कैसे चढ़ेगी। तो उनको अपनी जीत तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा चाहिए कि मिलान या एसी मिलान या फिर नेपोली में से कोई एक जो है वो खराब खेले, दोनों खराब खेले तो तब भी उनके लिए फायदा है, लेकिन किसी एक की हार भी उनके लिए काम बना सकती है क्योंकि फिर उनको मदद मिल जाएगी, क्योंकि देखिए दोनों के 76 पॉइंट्स हैं, एसी मिलान और नेपोली के, और यूवेंटस के जो है वो 75 पॉइंट है। तो ये निश्चित तौर पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, खास तौर पर ये देखते हुए कि इस पूरे के पूरे कॉम्पिटिशन में कभी भी जो बोलोनिया है उसने यूवेंटस को हराया नहीं है पिछले अगर 5 मुकाबले देखें तो ये बात जो है यूवेंटस के हक में जाती है, लेकिन उनकी अपनी जीत भी जैसा मैंने कहा काम नहीं कर पाएगी। इसके अलावा जी, जो एक और हम मुकाबले की बात कर रहे हैं, एम्बापे पर सबकी नजरें होंगी, फ्रेंच कप जीत चुके हैं, जैसे कोपा इटालिया जो हम कह रहे हैं कि भाई यूवेंटस जीत चुकी है, रोनाल्डो पहली बार उस खिताब को अपने नाम करने में कामयाब रहे हैं,
इधर दूसरी तरफ जो है आप फ्रेंच कप जीत चुकी है पीएसजी, अब उनके पास ये मौका होगा कि क्या वो लीग वन को जीत पाते हैं। लेकिन उसमें फिर एक और दिलचस्प बात ये कि उनको भी अपनी जीत से उनका काम नहीं बनने वाला है, उनको भी ये दुआ करनी पड़ेगी कि भाई आंजे और लियल के बीच जो मुकाबला है उसमें जो लियल की टीम है जो कि एक पॉइंट से जो है टॉप पर बनी हुई है इस वक्त पे लीग वन में, वो जो है हारे या उसका मुकाबला ड्रॉ हो और पीएसजी जीत जाए, और पीएसजी अगर जीतती है और वो मुकाबला अगर ड्रॉ होता है आंजे और लियल के बीच, या फिर जो है लियल हार जाती है तो फिर पीएसजी के जीत के चांसेस हैं। तो बड़े बड़े दिलचस्प सारे के सारे समीकरण हैं। 12:15 बजे यूवेंटस वाला मुकाबला शुरू होगा और जो 12:30 बजे वो ये मुकाबला शुरू होगा लीग वन का। तो ये सारी की सारी दिलचस्प एक तरह से फाइट्स आज, अगर आप सुपर संडे, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये सुपर संडे है, इसमें लीग वन का खिताब जीतने का मौका आज पीएसजी के पास होगा, लेकिन अगेन उन्हें लील के भरोसे बैठना पड़ेगा, उनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। यूवेंटस को अपनी जीत ही नहीं चाहिए बल्कि ये भी चाहिए कि एसी मिलान और नेपोली जो है वो थोड़ा सा खराब खेलें तो उनको फायदा होगा और चैंपियंस लीग में अगले साल जगह बना पाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि प्रीमियर लीग के मुकाबले आज हैं ही, और प्रीमियर लीग के मुकाबलों से इतर जैसा मैंने वो भी बताया आपको कि हैरी केन पर भी सबकी नज़रें रहेंगी कि उनका क्या ये आखिरी मुकाबला होने वाला है टॉटनम के लिए प्रीमियर लीग में। तो इस वजह से आज का जो संडे है वो सुपर संडे है। इन सारे मुकाबलों के बारे में आपको रात में भी मैचेस के बाद हम रिपोर्ट्स देते रहेंगे। सबसे पहले प्रीमियर लीग की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद फिर हम जो है सीरी ए के तक जाएंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे लीग वन में। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट्स आपको अलग अलग समय पर मिलती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।